दोस्तों, ये जो डॉक्टर लोग गले में आला लटका के रखते हैं, इसका आविष्कार यानी कि इन्वेंशन इसका कैसे हुआ था क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है हम उन्हें बता दें कि इसकी खोज के पीछे एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सन 1816 ईस्वी में फ्रांस के एक डॉक्टर जिनका नाम रेने लाइनेक था, इनके जमाने में कोई भी आला नहीं हुआ करता था। जब भी इनके पास कोई पेशेंट आता तो दिल की धड़कन पता करने के लिए अपने कान को मरीज के दिल के पास लेकर जाते हैं। इस तरह लगभग सभी डॉक्टर करते थे उस समय। लेकिन डॉक्टर रेने लाइनेक को उस समय दिक्कत होती थी जब वे किसी औरत के दिल की धड़कन चेक करते थे। औरत के चेस्ट के पास कान ले जाने में रेने को बहुत दिक्कत होती थी, और इस परेशानी से बचने के लिए डॉक्टर रेने औरत के चेस्ट और कान के बीच रोल किया हुआ कागज लगाते थे, जिससे दिल की धड़कन उन्हें तेज सुनाई देती थी। बाद में इसे एक लकड़ी की पाइप में बदल दिया गया। धीरे धीरे इसकी डिजाइन में सुधार होता गया और अब यह आले के रूप में डॉक्टरों के गले में दिखता है। तो दोस्तों, इस डिवाइस के इन्वेंशन के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।